अरे पाकिस्तान का मारगोली, पाकिस्तान साला खुद ही परेशान है। चाहे हम घर में दो टाइम के बदले एक टाइम खाना खाएं, लेकिन इन पाकिस्तानियों से बदला लेने के लिए हमेशा तैयार हैं, यहाँ से लेके बॉर्डर तक। जो मुल्क के ऊपर आंख उठा के, हम उनका आंख नोच लेंगे। हमें ये जो चीज है सबको बताने की जरूरत नहीं है कि हम इंडियन है। हम अगर कोई हनुमान जी तो है ही नहीं, एकदम लो जी समझिए कि मेरे इस मन के अंदर, दिल के अंदर सीता और राम बसे हुए हैं। लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। पाकिस्तान की तरफ से घटना होता हो, आतंकवादी की तरफ से घटना होता हो, मुस्लिम लोगों को सफाई देने की जरूरी पड़ती है कि मैं भी भारतीय हूँ, मैं भारत के पक्ष में हूँ, न कि पाकिस्तान के पक्ष में। पाकिस्तान का मतलब ही नहीं, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी की बात करेंगे, भारतीय है भारत की बात करेंगे। हमें पाकिस्तान को खाने को दे रहे हैं या कमाने को दे रहे हैं या समझो पढ़ाई को दे रहे हैं, किस बात को दे रहे हैं, हम क्यों सपोर्ट करें? जो अन्याय है, जो गलत है, वो गलत है। हमें ये जो चीज़ है सबको बताने की जरूरत नहीं है कि हम इंडियन है। हम जो बंटवारा हो रहा था 70 साल पहले, इस चीज़ का फैसला कर चुके हैं कि हम इंडियन है और यहीं रहेंगे और यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान खुद यहाँ से बाद में बना, जो आज वो हमारा मोहताज है, हम उसके किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। देखिए, ये तो एक गवर्नमेंट अपनी फेलियर को छुपाने के लिए यही कहता है कि जो है आप सर्टिफाई करो कि आप जो है भारतीय हैं। ये गवर्नमेंट का फेलियर होता है, जब भी कभी गवर्नमेंट का फेलियर हो उसने यही मुद्दा उठाया, और दूसरे मुद्दों को छुपाने के लिए जैसे बड़े बड़े मुद्दे हुए उसकी वजह से जो है ये हो गया है। अब आप बताइए, CRPF ने जब कहा था कि हमें जो है एयरलिफ्ट करवा दीजिए यहाँ से, उनको एयरलिफ्ट न कराने की वजह से बाई रोड भेजा गया। क्यों भेजा गया, पहले सवाल तो ये है क्यों भेजा गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। और हम सब जो है मुजम्मत करते हैं, घटना इंसानियत का कत्ल करना जो है, एक इंसान का कत्ल करना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, और ये सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम में। हम भारतीय हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई ऐसा मुसलमान करता है तो मुसलमान नहीं है, और ऐसा मजहब में भी नहीं है। और जितने भी ये लोग ये कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मोदी सरकार जी से अपील है कि उनको सजा दी जाए, पकड़ा जाए। जो मुल्क के ऊपर आंख उठा के, हम उनका आंख नोच लेंगे। अदालतों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह में फैसिलिटी मिलती है। ये जो चल लोग हैं वो राजनीति सेकना चाहते हैं। मंदिर हो या मस्जिद हो, ये सब हमारी इबादतों की जगह है, और अक्सर दाढ़ी वाले को ज्यादा ही करते हैं कि दाढ़ी वाला ऐसा है। वो दाढ़ी वाले वो भी तो कर रहे हैं ना, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि दाढ़ी वाले, सभी दाढ़ी वाले ऐसे नहीं है। हमारे हुजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी, और वो सुन्नत रसूल है। उस रसूल, सुन्नत रसूल को बदनाम न किया जाए। अगर जो ऐसा वो शख्स मुसलमान कर रहा है तो उसको सख्त से सख्त उसकी कार्रवाई करी जाए और उसको सजा दी जाए। जब पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान नाम पड़ा उनका, तो यहाँ के लोग वहाँ चले गए, तो ये चीज तो उनको देना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सर्टिफिकेट देता हूँ अपना कि मैं पाकिस्तानी हूँ। हम हिंदुस्तानी मुसलमान जब हिंदुस्तान में है तो इनको परमानेंट, इनको सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर कोई हनुमान जी तो है ही नहीं, एकदम लो जी समझिए कि मेरे इस मन के अंदर, दिल के अंदर सीता और राम बसे हुए हैं। इस मुल्क से हमें पहले भी मोहब्बत थी, और मरते दम तक भी मोहब्बत रहेगी, और अब भी मोहब्बत है। ये मुल्क हमारा अपना है, और आज का जो नई जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसे इंडिया से मोहब्बत है, उसे किसी और मुल्क से कोई मतलब वास्ता भी नहीं। तो आतंकवाद तो आतंकवाद ही है, इसको क्यों किसी के साथ जोड़ते हो? जबकि नक्सलीज ने इतना नुकसान किया हिंदुस्तान की फौज का, उसको उसके साथ क्यों नहीं जोड़ते हो फिर आप? हिंदू भी आतंकवाद है, हम ये नहीं कहते, लेकिन क्यों नहीं जोड़ते हो? सब सिर्फ मुसलमान के साथ ही क्यों जोड़ते हो? मतलब आतंकवाद को मत किसी के साथ जोड़ो, ये आतंकवाद आतंकवाद है, ये गलत है, गलत है, गलत है। इसका कोई ना जाति ना कोई धर्म, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है इसका। ये हुआ कैसे, किस वजह से हुआ, किसकी गलती की वजह से काम हुआ, कैसे लोग अंदर आ गए, कैसे लोग ये इतना बड़ा बताया जा रहा है, इतना सारा असला लेकर आ गए, किस कैसे अंदर लेकर आ गए? कहीं तो कुछ गलती होगी, कहीं तो कुछ कमी बात है, इसलिए तो वो लोग ये अंदर असला ले गए। हर मुसलमान को, हर भारतीय यानी मुस्लिम भारतीय को उंगली उठाना इसी के ऊपर, और समझो शक के नज़र से देखना, और हर बात को अपनी वफादारी को पेश करना, क्या बात है। हमारे यहाँ 14 तारीख को पुलवामा में हमला हुआ, जिसको आज लेके 6 दिन चल रहा है। हम उसकी जद्दोजहद में जो उस दिन से लेके आज तक जुड़े पड़े हुए हैं कि हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, और उस चीज़ का हमें इंतजार है कि उस चीज़ का बदला हम कैसे लें, जो कि अभी तक सिर्फ बातें ही हो रही हैं और बातों से काम नहीं चलेगा, इस बार बदले का मामला है। 30 साल में पहली बार ऐसा कांड हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने करा, इसकी तह तक पहुँचा जाए, ना कि लोगों को बदनाम किया जाए, इसमें के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें उलझाया जाए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन लोगों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए उन लोगों को। चाहे हम घर में दो टाइम के बदले एक टाइम खाना खाएं, लेकिन इन पाकिस्तानियों से बदला लेने के लिए हमेशा तैयार हैं, यहाँ से लेके बॉर्डर तक। हर मुसलमान ने, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान ने एकजुट होकर प्रोटेस्ट किया है, पूरा प्रोटेस्ट किया है, पूरा रैली निकाली है, इसके खिलाफ कैंडल मार्च किया, इंडिया गेट गए, कल भी जामा मस्जिद पे ये सब हुआ था, बहुत ज़बरदस्त, सब लोगों ने साथ दिया है। हर जगह से पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान एक है, जो लोग ये कर रहे हैं वो उनका कोई धर्म नहीं है।
हम गवर्नमेंट के गुलाम नहीं है, इस मुल्क के गुलाम है, क्योंकि ये वतन हमारा है, ये घर हमारा है। एक पे हमला होना सब पे हमला होना, ये हमारे वतन पे हमला नहीं, हमारे घर पे हमला हुआ है, सब चीज़ पे हमला हुआ है। हम इसके लिए तय दिल से हर चीज़ में गुंजाइश के साथ खड़े हैं। हम एक टाइम का खाना खाएंगे, लेकिन इस चीज़ का बदला लेने के लिए हम पूरी भावनाओं के साथ हैं इस मुल्क के साथ, क्योंकि ये मुल्क हमारा अपना है। उनका कोई धर्म नहीं है, वो बिल्कुल धर्म से बाहर लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, उनको सज़ा दी जाए। हमारी मोदी सरकार जी से अपील है कि उनको सज़ा दी जाए और उनको पकड़ा जाए। हम कहीं जाने वाले भी नहीं हैं। बात सुन लीजिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। पाकिस्तान का मारगोली, पाकिस्तान साला खुद ही परेशान है, तो हमें क्या करेगा और हमें क्या सपोर्ट करेगा? कुछ पाकिस्तानी वो किसानी नहीं है, हमें ना पाकिस्तान के समर्थन है, ना पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, ना कुछ हैं। हम ओनली इंडियन है। लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।